तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप 3 पिन प्लग का कनेक्शन कैसे करेंगे। जैसे कि मेरे हाथ में 3 पिन प्लग है, इसका हमें कनेक्शन करना है। इसके 3 टर्मिनल दिए गए हैं, इस तीनों टर्मिनल में हमें वायर जोड़ना है। जैसे कि मेरे पास एक वायर है जिसमें कि 3 कोर की वायर है, इसमें 3 तार हैं, एक ग्रीन है, एक रेड है, एक ब्लैक है। इन तीनों वायरों को इसमें जोड़ना है। कभी कभार लोग कन्फ्यूज़ जाते हैं कौन सा वायर किस में जोड़ें। इस वीडियो से आपकी पूरी कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगी। कनेक्शन करते हैं इसका। हमने 3 पिन टॉप ले लिया। पहले इसके स्क्रू को थोड़ा ढीला कर देते हैं ताकि वायर आसानी से कनेक्शन कर सकें हम। देखिए, लूज़ कर दिया इसको हमने। अब हमें क्या करना, सबसे पहले जो हमारी ग्रीन वाली वायर है, ग्रीन वाली वायर हम अर्थिंग के लिए यूज़ करते हैं, तो हमेशा अर्थिंग वाली जो वायर है सबसे ऊपर वाले टर्मिनल पे हमें कनेक्ट करना है। कभी कभार अर्थिंग वाली वायर येलो कलर की भी दी होती है। अगर आपके पास ग्रीन कलर की वायर नहीं है, इसके जगह येलो कलर की वायर है, तो आप इसको सबसे ऊपर वाले टर्मिनल पर लगाएंगे, जो कि अर्थिंग के लिए। अर्थिंग हमें इलेक्ट्रिकल शॉक से बचाती है, तो हमेशा हमें अर्थिंग वाला जो पॉइंट है सबसे ऊपर वाले टर्मिनल पर कनेक्ट करना है। देखिए, हमने जो ग्रीन वायर था उसको सबसे ऊपर वाले टर्मिनल पर कनेक्ट कर दिया। अब हमारे पास 2 और वायर बच गए हैं, जो कि एक रेड है और एक ब्लैक है। रेड हमेशा फेस के लिए यूज़ करते हैं और ब्लैक हमेशा न्यूट्रल के लिए यूज़ करते हैं। अब जो 2 हमारे पास वायर बच गई है, इन दोनों वायरों को हम दोनों में से किसी भी टर्मिनल पर कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने पहले रेड वायर ले लिया, इस रेड वाले वायर को हम सेकंड वायर टर्मिनल पे कनेक्ट करेंगे। फर्स्ट वाले पे तो हमने अर्थिंग कनेक्ट कर दिया था। ये जो नीचे 2 टर्मिनल बचे हैं, उसमें से पहले वाले टर्मिनल पे हम क्या करते हैं, हमने फेस वायर वायर को कनेक्ट कर दिया। अब जो हमारा दूसरा वाला वायर रह गया था, जो तीसरा टर्मिनल बचा हुआ है, उस पर हमें कनेक्ट करना है। देखिए, कनेक्ट कर देते हैं इसको। कनेक्शन लूज़ नहीं रखना है ताकि स्पार्किंग ना हो, हमेशा टाइट रहना चाहिए कनेक्शन। देखिए, इसमें कनेक्ट कर देते हैं हम। ये हमारे तीसरे टर्मिनल कनेक्ट हो गए, तीनों वायर कनेक्ट हो चुके हैं। हमेशा हमें ध्यान रखना है जो अर्थिंग वाली वायर है सबसे ऊपर वाले टर्मिनल पे कनेक्ट करेंगे। अर्थिंग वाली वायर ग्रीन भी हो सकती है या येलो कलर की भी हो सकती है। उसके अलावा जो रेड वाली वायर और ब्लैक वाली वायर है, फेस और न्यूट्रल के लिए यूज़ करते हैं, ये दोनों हमेशा इन दोनों टर्मिनल पर यूज़ करेंगे। अगर आपके पास 2 कोर की वायर है जिसमें 2 ही तार हैं, उसमें आपको क्या करना है, जो ऊपर वाला टर्मिनल है अर्थिंग के लिए, उसको आपको ऐसे ओपन रख देना है। बाकी जो नीचे के 2 टर्मिनल है, फेस और न्यूट्रल, खाली उन दोनों को कनेक्ट करना है नीचे वाले टर्मिनल पे। बाकी ऊपर वाला पॉइंट खुला रहेगा, उस पर कोई कनेक्शन नहीं करना है। अगर आपको कनेक्शन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, जिससे मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।